मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुहा सुहेल, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट मरहम। आज हम बात करेंगे बच्चों में वेट गेन के हवाले से। बहुत से बच्चों का वेट उनके हाइट के अकॉर्डिंग कम होता है और वो अंडर वेट केसेस के अंदर आ रहे होते हैं, तो ऐसे केसेस में मदर्स को चाहिए कि सबसे पहले उनका पोर्शन साइज़ खाने का बढ़ा दें। अब पोर्शन साइज़ बढ़ाने में हरगिज़ ये नहीं कहती कि आप फ़ौरन से उनको डबल की तरफ ले जाएं। अगर बच्चों को आप एक वक्त में 5 से 6 चम्मच चावल के अगर खिला रहे हैं तो फ़ौरन से उसको 10 चम्मच के ऊपर ना लेकर जाएं, आप उसको 6 से 6.5 यानी कि आधा चम्मच उसका बढ़ाएं। उसके टॉलरेंस 1 से 2 दिन लगाकर इम्प्रूव हो जाएगी और उसके बाद आप उसकी क्वान्टिटी को प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करते जाएँ, लेकिन उसकी क्वान्टिटी को इंक्रीज़ ज़रूर करें। सबसे पहले उसकी डाइट की टाइप को ना चेंज करें, उसके डाइट की क्वांटिटी को बढ़ा दें। बहुत सी मदर्स को ये लगता है कि अगर हम लोग ये खिलाने की बजाय ये चीज़ खिलाएंगे तो वज़न जल्दी से बढ़ेगा, ऐसा ना करें, क्योंकि बच्चा जो है वो ऑप्ट मुश्किल से करता है। तो सबसे पहले उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करें कि जो चीज़ वो खा रहा है उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दें और ग्रेजुअली उसको बढ़ाते चले जाएँ। पोर्शन साइज़ के बाद मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आज डिस्कस ज़रूर करूँगी कि जिसके ज़रिए बच्चों का जो वेट गेन होने का चांस है वो बढ़ सके। उसमें सबसे पहले मैं रिकमेंड करती हूँ सनफ्लावर सीड्स। बच्चों को जब वो सुबह उठते हैं निहार मुँह सूरजमुखी के जो बीज हैं, सनफ्लावर सीड्स उनको हम कहते हैं, वो ज़रूर खिलाएं। 5 से 6 सनफ्लावर सीड्स बच्चों को ज़रूर खिलाएं, क्योंकि उसमें मौजूदा जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जो गुड फैटी एसिड्स हैं, वो वेट को गेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके ऊपर उसका एक हस्क को रिमूव करके उसका सीड अंदर से बेशक पानी के साथ दे दें या दूध के साथ दे दें, आप पर डिपेंड करता है या बच्चे पर डिपेंड करता है वो किस तरह से उसको कंज्यूम करता है। क्रश करके देना चाहते हैं वैसे दे दें, टैबलेट की फॉर्म में देना चाहते हैं वैसे दे दें, तो टोटल आप पे डिपेंड करते हैं, बच्चे पे डिपेंड करते हैं उसकी टॉलरेंस किस तरह की है। लेकिन सनफ्लावर सीड्स को इनिशियली देना शुरू कर दें। सेकंड पे दूध। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, दूध को हम कंप्लीट डाइट कहते हैं, इसी वजह से क्योंकि उसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो एक हेल्दी इंडिविजुअल के होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जिन बच्चों का वेट अंडर वेट आ रहा हो तो उनको मदर्स को कोशिश करनी चाहिए कि उनको होल मिल्क दें। होल मिल्क से मुराद एक ऐसा दूध है जिसमें उसकी चिकनाई, उसकी क्रीम, उसका स्कम जो है उसके अंदर मौजूद हो। बहुत सी मदर्स बच्चों को दूध जब दे रही होती हैं तो उसके ऊपर से इसकी स्कम को, क्रीम को रिमूव कर लेती हैं, तो ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है अंडर वेट केसेस के लिए। तो उन केसेस में मदर्स को चाहिए कि वो दूध में उसी क्रीम को डालकर दें, मिक्स करके दें, और इसके साथ दूध में 2 से 3 चम्मच शहद के ज़रूर ऐड ऑन करके दें। वाइट शुगर एक बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ है जो बच्चों में बहुत ज़्यादा बोन हेल्थ डिसऑर्डर्स की तरफ लेकर जाती है और बच्चों में छोटी उम्र में फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है। तो कोशिश ये करें कि शहद को एक गुड स्वीटनर की तरह यूज़ करें और वाइट शुगर को दूध में डालने से परहेज़ करें। अच्छा, बहुत से लोग अगर दूध बच्चे अगर दूध को पसंद नहीं करते तो आप उनको मिल्क शेक्स बना के दे सकते हैं, जिसमें आप किसी भी किस्म का फ्रूट ऐड ऑन करके दे सकते हैं। अगर मिल्क शेक्स भी नहीं पसंद तो आप दही के अंदर फ्रूट ऐड ऑन करके दे सकते हैं, दही के अंदर आप शहद भी ऐड ऑन करके दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों की चीज़ में जितनी ज़्यादा कैलोरिक डेंस चीज़ें होंगी, न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ें होंगी, उतना अच्छे तरीके से उनका जो वेट है वो गेन हो सकेगा। अगर बहुत से बच्चों को दही भी नहीं पसंद तो वो चीज़ में कॉटेज चीज़ ज़रूर रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि उसमें कैल्शियम की अमाउंट बहुत अच्छी होती है हमारे पास, और कैल्शियम बच्चों की बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कॉटेज चीज़ में मदर्स क्वेश्चन ज़रूर करती हैं कि कॉटेज चीज़ किस तरह से बनेगी, तो आप सिंपल दूध लें और उसके अंदर आप लेमन ऐड ऑन कर लें, जब वो स्प्लिट आउट हो जाए तो आप उसको एक स्ट्रेन कर लें और जो आपके पास बाकी मैस आएगा वो आपके पास कॉटेज चीज़ होगी, और आप उसको बच्चों को रोटी के साथ भी दे सकते हैं, ब्रेड पे स्प्रेड फॉर्म में भी दे सकती हैं, पराठे के साथ भी दे सकती हैं। इससे ये होगा कि कैलोरिक डेंस चीज़ भी आएगी और न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ पे जाएगी और बच्चों का वेट जो है वो हेल्दी वे में गेन होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा स्टार्ची वेजिटेबल्स, एक हमारे पास होती हैं नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स और एक हमारे पास होती हैं स्टार्ची वेजिटेबल्स। स्टार्ची वेजिटेबल्स वो होती हैं कि जो हमारे पास ज़मीन के नीचे ग्रो होती है, जिसमें आलू है, शकरकंदी है, हमारे पास अरवी है, गाजर है, ये ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जो स्टार्च से भरपूर हैं, और स्टार्च हमारे पास वेट को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है। बच्चों को डिफरेंट फॉर्म में आप आलू की चीज़ें बनाकर दे सकते हैं, शकरकंदी की चीज़ें बना के दे सकते हैं, एक सैलड बाउल बना के दे सकते हैं जिसमें आप गाजर ऐड ऑन करके दे सकते हैं। इसके साथ आप शेप वेरिएशन की तरफ जा सकते हैं। अब अगर आप बच्चों को मैश पोटैटोज़ दे दें और उसी में आप अगर मैश कैरेट्स डालें तो वो एक अट्रैक्टिव चीज़ नहीं है। मैश पोटैटोज़ के साथ अगर आप कैरेट स्लाइसेस लगा के कोई शेप बनाकर बच्चों को देते हैं तो वो एक अपीलिंग चीज़ है, बच्चा उसको ऑप्ट करता है। तो बच्चों का वेट बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे अट्रैक्टिव पोस्टर्स रखने चाहिए मदर्स को अपने पास, के बच्चा अट्रैक्ट हो और वो चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूम कर सके। स्टार्ची वेजिटेबल्स के अलावा हमारे पास हेल्दी फैट्स जो हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल है, बच्चों को एक तो हमारे पास देसी घी बहुत अच्छी चीज़ है, देसी घी भी दें और देसी घी के साथ साथ वनस्पति घी वगैरह अवॉइड करवाएं और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। बच्चों को दिन में 3 से 4 दफ़ा 4 चम्मच ऑलिव ऑयल की ज़रूर दें, एक नाश्ते के वक्त, एक लंच के वक्त में, एक मिड टाइम जो स्नैक आपके पास आए जो 4 से 5 बजे का वक्त है, और एक रात के खाने के वक्त में। सिंपल ऑलिव ऑयल को 1 चम्मच आप बच्चों को ज़रूर दें, क्योंकि इससे भी वेट गेन होने का जो चांस है वो बढ़ता है।
इसके अलावा एग्स, अंडे बहुत बेहतरीन ज़रिया हमारे पास प्रोटीन का, और प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मसल मास की बिल्डअप के लिए। जितना अच्छा बच्चे का मसल मास होगा उतनी अच्छी उसकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो बेहतरीन रहेंगे, वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकेगा। क्योंकि अक्सर केसेस में जब बच्चे वेट गेन की तरफ जा रहे होते हैं तो मदर्स उनको डिफरेंट किस्म के एक्सरसाइजेस में लेकर आ रही होती हैं, रनिंग में, वॉकिंग में, स्विमिंग में, ताकि उनके जो मसल्स हैं वो ग्रो करें। अब मसल्स को अगर इतनी ज़्यादा फिज़िकल एक्जर्शन मिलेगी कि वो इतनी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर उनको वो फ्यूल नहीं मिलेगा, वो डाइट नहीं मिलेगी जो उनकी मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मसल उनके डिटोरिएट कर जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। अगर बच्चे फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं फॉर वेट गेन, तो उसके साथ साथ उनके मसल हेल्थ के लिए प्रोटीन बेस्ड चीज़ें जिसमें अंडे हैं, दूध, उसका इस्तेमाल बच्चों का ज़रूर रखें, ताकि मसल्स जो हैं वो उनके ग्रो करें और वो ख़राब ना हो सकें। तो अंडों को बच्चों को आप डिफरेंट फॉर्म्स में दे सकते हैं, बॉयल्ड एग की फॉर्म में दे सकते हैं, ऑमलेट की फॉर्म में दें तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ऑमलेट में आप चीज़ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, आप उसके अंदर पोटैटोज जैसे आलू हैं, आलू भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि बच्चे के सामने चीज़ एक जाएगी लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जाएंगी, क्योंकि आप बच्चे को बार बार पहले आलू खिला रहे हैं, फिर अंडा खिला रहे हैं, फिर आप कोई सब्ज़ी खिला रहे हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा इरिटेशन हो जाती है कि वो नहीं खाते। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ में उनको वैरायटी ऐड ऑन करके देंगे, डिफरेंट चीज़ उसी में मिक्सअप करके देंगे, तो वो एक चीज़ जाएगी और बच्चा उसको फिर प्रेफर करेगा। तो बच्चों के वेट गेन में सबसे पहले उनके पोर्शन साइज़ को बढ़ाएं, नंबर टू पे इन सब चीज़ों को शामिल करें, नंबर थ्री पे ग्रेजुअली लेकर चलें, बच्चों को डिफरेंट शेप्स के थ्रू अट्रैक्ट करें, डिफरेंट किस्म के टेक्सचर्स उनको दिखाएं, क्योंकि बच्चा कभी भी मैश चीज़ को पसंद नहीं करता, वो हमेशा टेक्सचर चीज़ों को पसंद करे जिसमें मैश चीज़ें भी हों, कुछ स्लाइसेस की फॉर्म में हो, कुछ क्रंच की फॉर्म में हो, तो बच्चा उसको ऑप्ट करता है। और गुड एग्जांपल्स दिखाएं, जिस तरह से मैं पोपाई की एग्जांपल ज़रूर दूंगी यहाँ पर, कि जिस तरह से बच्चों को ये ज़रूर दिखाएं कि पोपाई स्पिनच खाने से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके मसल्स हैं, वो सब एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। तो ऐसे गुड एग्जांपल्स बच्चों के आगे सेट करें ताकि वो उसको आइडियलाइज करें और अपनी डाइटरी हैबिट्स को उनके पैटर्न के ऊपर लेकर जाना शुरू कर दें। अगर आप लोग वेट गेन या वेट लॉस या किसी भी हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो मरहम के ऐप के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी जो क्वेरीज हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।